आशीष बुटेल ने कांगड़ा चाय को जीआईटी टैग देने पर यूरोपियन यूनियन का जताया आभार। बोले, चाय उत्पादकों को होगा फायदा, विदेशों में होगा कांगड़ा चाय का नाम। देश भर में मशहूर कांगड़ा चाय अब विदेशों में भी मशहूर होने लगी। यूरोपियन यूनियन ने कांगड़ा चाय को जीआईटी टैग दे दिया। जीआईटी टैग मिलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कांगड़ा चाय की पहचान और मजबूत होगी। वहीं जीआई टैग मिलने से पालमपुर के विधायक और सरकार में सीपीएस आशीष बुटेल ने यूरोपियन यूनियन का आभार जताया और कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा चाय को हाल ही में जीआई टैग मिला है। टैग मिलने का मकसद यह है कि एरिया चयनित किया जाता जहां इस तरह की चाय होती है। यूरोपीय देखिए, कांगड़ा चाय को हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने जीआई टैगिंग इसकी की है। इसका मेन मकसद यह होता है कि एक एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है जहां पर ये चाय इस तरह की उगती है। तो उसके लिए यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब के अंदर इसकी जीआई टैगिंग होने से कांगड़ा के नाम से, जो कांगड़ा के इलाके की चाय है वो कांगड़ा के नाम से प्रसिद्ध होगी और वहाँ पर बिक सकती है। जो भी लोग कांगड़ा चाय को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तकरीबन 2500 हेक्टेयर के आसपास हमारी खेती चाय की हिमाचल प्रदेश में होती है और बहुत सारी चाय, क्योंकि ये बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय है और जिसको ऐसा समझा जाता है कि बाहर के देश और ख़ास करके क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स चाय है, ऑर्थोडॉक्स चाय जो कि लंबी पत्ती वाली चाय के नाम से भी जानी जाती है, वो चाय ये हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि जीआई मिलने से जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको सुविधा मिलेगी, उनका कांगड़ा चाय का नाम एक प्रसिद्धि से सारी जगह पर लिया जाएगा। यूरोपियन यूनियन ने ये किया है और इसके लिए मैं उनका धन्यवादी भी हूँ। इससे पहले भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में कांगड़ा चाय का जीआई टैगिंग हो चुकी है और जीआई टैग मिलने से कांगड़ा की जो चाय है उसका नाम पूरे भारतवर्ष में भी हुआ और जिसकी वजह से हमने ये देखा कि हमारा थोड़ा जो हमारे जो बिजनेस है चाय का उसको भी बल मिला है और चाय की प्रसिद्धि भी हुई है।